साहिब सतगुरु गुरु नानक साहिब निरंकार सुल्तानपुर विखे जदों अपने चरण पा रहे सन, जगत जलंधे दा भला आपो अपने वक्रे वक्रे ढंग विधियां बना के करी जा रहे सन। जदों उत्थों दी मसीत विच नमाज अदा करन गए तां उदों सतगुरु जी ने नमाज अदा नहीं सी कीती। ते जदों पुछया सी नवाब ते काजी ने, आप जी ने नमाज ते अदा नहीं कीती, हसदे रहे, आखन लगे नमाज अदा करन आए सी पर तुहाडा दोनों दा मन इत्थे नहीं सी, एक किधरे घोड़े खरीद रहा सी ते दूसरा घर घोड़ी जो सोई सी, वशेरी किधरे खूह च ना डिग पवे उहदे बचाओ च लगा सी। दोनों नूं दिसिया बिल्कुल साडे अंदर ते ख्याल चल रहे सन, खिमा मंगी। सतगुरु जी ने बचन किए सन, जितना चिर अंदर परमात्मा दे हजूर ना होवे उतना चिर नमाजा अदा करनिया बेअर्थ ने। इस चीज़ नूं लैके भाई वीर सिंह खुरा ने बचन किए, जो सतगुरु जी का बचन है वह केवल मुसलमान वीरां लई नहीं जां उन्हां दो हस्तियां लई नहीं, साडे सभना लई है। जेकर पाठ करदे आ साडे अंदर ख्याल चली जा रहे हन ता उस नाल धन गुरु नानक साहब जी की खुशी नहीं खोएगी, तो उस दी हजूरी विच हो के किवें असी पाठ का सबक पका सकते हैं कि ख्याल मुकन। उहदे लई पंज गल्लां भाई वीर सिंह खुरा ने वो साखी ते आधार ते दर्शाइया ने कि सब तो पहला साढ़े अंदर ये होवे भी वाहिगुरु है जरूर है, भाव यह नहीं भी अंदर कवे भी खुरे है कि नहीं, पहला अंदर नूं इह कहीए वाहिगुरू कै जरूर कै। दूसरा अंदर अपने नूं इह पढ़ाईए भी मैनू नहीं वो दिसदा क्योंकि मेरे कोल आत्म नैन नहीं खान, वो नैन कोर जिन्हां नाल उहनूं वेखीदा। तीसरा अपने आप नूं इह मत देईए आत्म नैन लैण लई किहड़ा तरीका कै वो खुल जाण, वो कै गुरबाणी दा पाठ ते सिमरन। चौथा ए भई फिर असीं रज के पाठ करिए सुनीए कीर्तन करिए सुनीए भजन बंदगी विच लगीए, जदे लग के भी फिर अंदर अजे एडी छेती तां इसने ख्याल मुकणे नहीं, परमात्मा की हजूरी मिलनी नहीं। एक कुछ करके फिर अंदर ध्यान रखना भी कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे, कहना भी मैं वो करोड़ा ब्रह्मंडा दे मालक दी हजूरी विच बैठा उहदा भजन कर रहा। ज्यों ज्यों ध्यान करांगे मन बाहर जाएगा, फिर इन्हूं मोड़ मोड़ के लियाना, फिर इन्हें जाना फिर लियाना, हौली हौली अभ्यास करदिया ये अंदर आउंदा उहदी हजूरी अंदर। जे इन्ना कुछ करके भी ना ये काबू विच आवे ते छेवां बचन कहे फिर गुरसिखां दी गुरमुख प्यारियां दी साधुआं दी उन्हां दी संगत करिए जिन्हां ने इस घालना घाल के प्राप्ति की, वो फिर साड़ी इहदे विच बहुत मदद करदे सी। वेखदे आ गुरसिखी कमाउण वाले जुड़ियां रूहां दे कोल जांदिआं सार की मन शांत हो जांदा है। शायद तां ही सतगुरां ने बार बार कहा है गुरसिखां की कर धूड़ दे कम पापी भी गत पाखे, किधरे बचन कन गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाह वाह का बड़ा तमाशा संगत जरूरी है। इस तरीके मुढ़ले जे अपना के सानू खजूरी दा पाठ खजूरी दा सबक पकाना चाहिए, ज्यों ज्यों खजूरी विच रह के पाठ करांगे त्यों त्यों साडे अंदर आत्मक आनंद दा थन इकट्ठा हुंदा जाएगा, जिंदगी दे अर्थ ही बदल जाएंगे, सुभा बदल जाएगा, परमात्मा दी मेहरा नाल जिंदगी नू सफल बना के जावांगे।